आइए दोस्तों जुड़ जाइए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ देसी भारत के इंस्टाग्राम लाइव के इस महामंच पर। आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। देखिए संघर्ष टू, संघर्ष वन तो आप जानते ही होंगे, संघर्ष वन बाक कसम एक से बढ़कर एक अवार्ड इस फिल्म को मिले, और अब संघर्ष टू जिसे मेगा बजट फिल्म कहा जा रहा है। कहना तो ये भी है कि भाई भोजपुरी सिनेमा की बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा महंगी, बहुत पैसे लगाकर इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। संघर्ष चूंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों, आइए एक के बाद एक तुरंत ही जुड़ जाए और ज़्यादा समय न लेते हुए संघर्ष टीम के महारथियों के साथ आपको हम यहाँ पर मिलवाएंगे। जी हाँ, आपको हम यहाँ पर ज़रूर मिलवाएंगे। जी हाँ, संघर्ष टू के प्रोड्यूसर मिस्टर रत्नाकर कुमार साहब से आपको यहाँ पर मिलवाएंगे। संघर्ष टू के डायरेक्टर जिन्हें पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा की तरह जाना जाता है, पराग पाटिल जी से मिलवाएंगे। क्या कुछ कहानी चल रही है संघर्ष टू की, कब से जाएगी फिल्म फ्लोर पर, और वो जो सात हीरोइन थी उनमें से किस हीरोइन को कास्ट किया गया है, या फिर वो भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं है, या फिर वो किसी अदर इंडस्ट्री से है, कौन है वो हीरोइन जो संघर्ष टू में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की हीरोइन होंगी। इन्हीं सारी बातों को बताने के लिए मैं धर्म दुबे देसी भारत पर हाजिर हुआ हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए हम सीधे ज्यादा समय न लेते हुए अपने साथ जोड़ते हैं संघर्ष टू फिल्म के प्रोड्यूसर, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के मालिक मिस्टर रत्नाकर कुमार साहब को, और साथ ही साथ संघर्ष टू फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल साहब को भी। सबसे पहले मैं यहां कोशिश करने जा रहा हूं रत्नाकर कुमार साहब को अपने साथ लाइव पर जोड़ने के लिए। और देखिए मैंने, और दोस्तों वो कौन सी बड़ी खबर होगी वो खुद रत्नाकर सर यहां पर आकर लाइव बताएंगे। क्या बड़ी खबर है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रत्नाकर सर को हमने रिक्वेस्ट जो है भेज दी है, और अगर इंटरनेट वगैरह ऑल इज गुड रहा तो रत्नाकर सर बहुत जल्दी हमारे साथ लाइव पर जुड़ जाएंगे, और उसके तुरंत बाद ही हम पराग पाटिल साहब, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, उनसे भी जोड़ लेंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष टू आजकल बहुत नाम आ रहा है, संघर्ष टू की बात है। ये देखिए दूसरे फ्रेम में रत्नाकर सर यहाँ पर, उनका फ्रेम तो ऑन हो गया है लेकिन रत्नाकर सर दिख नहीं रहे हैं। रत्नाकर सर एक्चुअली आपका कैमरा जो है वो बैक साइड में है। दोस्तों कट गया, फिर एक बार रत्नाकर सर को जोड़ने की कोशिश मैं करता हूं यहां पर। जी हां, रत्नाकर सर को मैं फिर एक बार जोड़ रहा हूं लाइव पर अपने साथ। मिस्टर रत्नाकर कुमार, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के ओनर, संघर्ष टू के प्रोड्यूसर, क्या ब्लास्ट करेंगे? फिर एक बार इन्वाइट मैंने रत्नाकर सर को भेज दिया है और सब कुछ ठीक रहा तो रत्नाकर सर फिर एक बार लाइव हमारे साथ आएंगे। यहाँ पर कोई इशू है दोस्तों? वाह क्या बात है, बहुत स्वागत सर। ऑल वेल, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज्यादा मजे की बात है। और जैसा कि जो खबर हमारे पास आई है संघर्ष टू को लेकर, एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहे हैं आप। सर आप इस खबर को ब्रेक करें, अगर आप मुझे एक इजाजत दें तो इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर पराग पाटिल साहब को भी अपने साथ जोड़ लूं सर। ओके तो दोस्तों, जी आपकी आवाज आ रही है सर मेरे पास। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम संघर्ष टू फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर पराग पाटिल जी की तरफ, जिन्हें मैंने इनवाइट भेज दिया है, और पराग पाटिल साहब की भी तरफ से जल्द ही वो हमारे साथ तीसरे विंडो में शामिल हो जाएंगे। और ये देखिए वाह क्या बात है, पराग पाटिल जी भी आखिरकार आ ही चुके हैं। बहुत स्वागत आपका। तो दोस्तों देसी भारत इंस्टाग्राम पेज पर हमारे साथ प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार साहब हैं, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा वाले डायरेक्टर मिस्टर पराग पाटिल साहब हैं, और संघर्ष टू को लेकर यहां बात चल रही है। बहुत बहुत बधाई भोजपुरी इंडस्ट्री को इतनी बड़ी महंगे बजट की फिल्म देने के लिए। रत्नाकर सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितने एक्साइटेड हैं और
मुझे खबर लगी और कार्यालय में आपके बहुत बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के आधे से ज्यादा दर्जन लोग पहुंच ही चुके हैं सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वेट हो गया। 2018 से 2022 तक 4 साल का वेट हो गया। काफी तैयारी थी, मतलब करीबन 6-7 महीने से तो इसी पे वर्कआउट चल रहा था, तो जी बेटर वर्जन निकल के आएगा। एंड एक रिमार्क रहेगा लोगों के लिए कि लोग सब सब तो मेहनत करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, बट हम लोगों ने कुछ सोचा कि कुछ नया, कुछ नई चीजें, कुछ नया लुक ऑलवेज देने की कोशिश करते हैं, जिसमें लोग जो है वो उत्साहित हों और अच्छी चीज देखने में सब अप्रिशिएट भी करते हैं। सब मेहनती हैं, सारे लोग इसमें लगे हुए थे, करीबन 6 महीने हो गए और ये फाइनली जो है वो वक्त जो है वो आ गया, और ये खेसारी जी की देन है। वो हर एक टाइम पे जो है वो बोलते नहीं, और थोड़ा टाइम लो, और थोड़ा टाइम ले लो, और थोड़ा टाइम लो, और बेटर और बेटर। तो ये नॉर्मल पिक्चर थी नहीं, तो ये बहुत अच्छा लगा उस चीज में। एंड सबका मेहनत बराबर है और बड़ी अच्छी लाइन लिखे गए हैं, बहुत मेहनत से पराग पाटिल बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा मेहनत तो इनको करना है ना, बट इसमें सबके ज्वाइंट एफर्ट्स हैं। एंड बहुत अच्छा लगेगा इस बार जो भी चीजें आएंगी। नहीं बिल्कुल, मैंने आपका इंटरव्यू किया था रत्नाकर सर, आपने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि देख लेना एक अच्छे खासे महंगे बजट की फिल्म होगी, विदेशों पे भी शूट होगा, और पराग पाटिल साहब और इस फिल्म के जो को प्रोड्यूसर है मिस्टर कुलदीप श्रीवास्तव जी बैंकॉक घूम रहे, विदेश यात्रा कर रहे हैं, एक से एक तस्वीरें वीडियोज वायरल हुए। पराग सर, कौन कौन जी से जी जी लोकेशन बिल्कुल, हंट किए हैं आपने, संघर्ष 2 की क्या तैयारी? फिलहाल तो हम लोग शूट करना है थाईलैंड में, बैंकॉक पटाया और ये सारी चीजों पे शूट कर रहे हैं इस लोकेशंस पे। उसके बाद में कच्छ में है, यूपी में है, दुबई में है, तो ये 2-4 लोकेशंस है जहां पर हम लोग संघर्ष 2 की शूटिंग करेंगे। बिल्कुल, तो दोस्तों अब समय आ गया है उस बड़ी खबर, उस ब्रेकिंग न्यूज का, जो जिसका मैंने आपको वादा किया था कि भाई देसी भारत पे आपको सुनने मिलेगा। वो न्यूज क्या है वो मैं आपको रत्नाकर सर खुद ही यहां पर ब्लास्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताएं कि संघर्ष 2 की हीरोइन आखिर होगी कौन? क्या वो काजल राघवानी होंगी, क्या वो भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई दूसरी सुपरस्टार होगी, टीवी इंडस्ट्री से होगी, बॉलीवुड इंडस्ट्री से होगी, मॉडल होगी, क्या होगी? आपके हमारे हम सभी के जहन में ये सवाल है, और आखिरकार इसी सवाल का जवाब लेकर के हमारे साथ रत्नाकर कुमार सर और पराग पाटिल साहब यहां मौजूद हैं। 7 हीरोइनों के साथ इन सभी की बात चल रही थी, कौन सी हीरोइन फाइनल हुई है अब ये जानने की बारी आ गई है। रत्नाकर सर, तो हाँ जी, हाँ जी, अब बस बस अब बेसब्र हुए जा रहे हैं हम सभी सर, अब तो आपको है ना बताना ही होगा संघर्ष 2 की हीरोइन आखिर कौन है, किसे कास्ट किया है आपने अपोजिट मिस्टर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के? एक तो जो चॉइस ऑफ द सारे इंडस्ट्री में सब बड़े मेहनती हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बट जो इस टाइम में करीबन मोर देन 10 टाइम्स जो है वो कास्टिंग होके फिर नहीं, ये नहीं मैच करेगा, फिर ये नहीं मैच करेगा, तो एग्जैक्टली था क्या कि इसकी स्क्रिप्टिंग में कोई बाहर हो रहे थे, कोई अंदर आ रहे थे, कोई बाहर हो रहे थे, कोई अंदर आ रहे थे, कि किस पे क्या मैच करेगा, बिकॉज इनकी जो स्टोरी थी वो बड़ी अलग, तो कभी ये हो जाए तो कभी वो हो जाए, तो क्या है स्टोरी के हिसाब से उसमें बैठे में टीम में करीबन 10 लोग थे, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग पराग पाटिल, जी तो वो 10 10 लोग जो बैठे हैं, अच्छा ये होना चाहिए क्या, नहीं ये होना चाहिए क्या, अच्छा इसकी कास्टिंग करें तो क्यों करें, क्योंकि नॉर्मली जो जब मैं खुद ही पिक्चर बनाता हूं तो हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि अरे यार ये चीजें हैं, ये यही यही होना चाहिए, बट इस बार जो था वो बहुत मुश्किल रहा, बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि हम पांच जो ओरिजिन के लोग हैं, आप हम उसकी कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं, उसकी चीजों को दिखा रहे हैं, लाइक एक 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 टच था कि हम एक फील मूवी के अंदर क्या लेके आने वाले हैं, तो हमको आप समझे कि वो लैंग्वेज जो बैरियर था कि बम्बैया लैंग्वेज क्या होगा, साउथ का लैंग्वेज क्या होगा और बिहार का लैंग्वेज क्या होगा, है ना, और जो हम लोगों ने बैंकॉक में किया कर रहे हैं उसका, उसमें जो फील आएगा वो चीजें कैसे हम करेंगे, तो लैंग्वेज वाइज हम लोगों ने डिसाइड किया,
एज पर द स्टोरी कि ये कास्टिंग होनी चाहिए थी, है ना। तो वो बड़ा अलग बहुत माहौल बना, बहुत बार इन एंड आउट जो है वो चीजें चलती रही। तो हम लोगों ने लैंग्वेज के हिसाब से कास्टिंग की है इसमें, और ये सारे खेसारी जी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो वो स्टोरी सुनने के बाद ही उन्होंने किया। तो सुनना चाहते हो कि कौन बिल्कुल कौन कौन था? बिल्कुल बिल्कुल। सवाल तो और मैं ही नहीं सर, ये देखिए दुनिया भर के कमेंट आने शुरू हो गए, हर कोई एक एक नाम बता रहा है, ये होगी वो होगी ऐसी होगी। तो फाइनली दोस्तों अब रत्नाकर कुमार सर जो है संघर्ष टू की हीरोइन किन्हें कास्ट किया है उनका नाम बताने जा रहे हैं। सर प्लीज बताएं सर। ओके तो अब इसमें जो मैंने बताया लैंग्वेज वाइज जो है पूरा ये जो ग्राफ हुआ है उसमें पहले तो खेसारी जी ही हैं, जो एक जो स्टोरी है वो विल रिवील दैट द आफ्टर व्हेन 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 वी आर गोइंग टू शूट दैट। सो एक पब्लिक को पता रहे कि किस बेस पे स्टोरी चलेगी और क्या कॉन्सेप्ट जो है वो पब्लिक को इस बार पता होगा। कि ये नहीं कि हम बताएंगे नहीं कि क्या स्टोरी है और हम जब रिलीज होगा तब बताएंगे, इस बार लाइव होगा ऑलवेज कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक नई चीज होगी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि केसारी जी चाहते हैं कि वो चीजें वो दिखे, तो पहले से पता रहे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि मैं बना के बताऊंगा करा करके बताऊंगा, बिल्कुल नहीं, इस बार बिल्कुल सब कुछ पहले से तय है। अब हम लोग कैसा बनाते हैं वो पराग और हम लोग के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो दिखेगा इस बार। तो जो पहली जो हीरोइन जो तय हुई है वो है मेघा श्री, जो बिल्कुल साउथ का वो लुक आएगा उनका पूरा, और लैंग्वेज बैरियर नहीं है। बिहार से जो है वो माही श्रीवास्तव है, वाओ, जो बिल्कुल ठेठ लैंग्वेज जो है उनका वो इसमें यूज किया जाएगा। थर्ड जो है बॉम्बे की सबा खान, उनको रखा गया है क्योंकि लैंग्वेज जो है हमने बताया आपको कि तीन चार लैंग्वेज जो है उसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, जिसमें सिनोज मराठी एंड द लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, शी इज नॉट फ्रॉम बिहार। जो ये फ्लेवर है वो एक अलग अलग ही आएगा। फिर विनीत विशाल जो है इसमें वो कास्ट किए गए हैं एक इसमें बहुत बड़े। नीलम वशिष्ठ हैं जो हमारी पुराने मित्र भी हैं, बट उनको देख के जो है पूरी दुनिया हिलती है। फिर विनोद मिश्रा जी हैं, फिर समर चतुर्वेदी हैं। तो ये कास्टिंग जो है वो पूरी लाइनअप की गई है। तो अब देखना है कि कौन कितने अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभाता है। वाह क्या बात है। देखिए मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, रत्नाकर सर ने जो बहुत बड़ी घोषणा इस समय देसी भारत पर ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव की है। तो दोस्तों बेसब्री भरा इंतजार खत्म हुआ, खेसारी लाल यादव जी की हीरोइन मेघा श्री है जो साउथ का टच दे रही है, माही श्रीवास्तव बिहार से है और सबा खान मुंबई से है। इसके अलावा बहुत सारे कास्टिंग है सर। देखिए आपने दिल तो है बहुत सारे लोगों का तोड़ दिया, क्योंकि आम्रपाली दुबे जी का नाम बहुत लोग लिख रहे हैं, अक्षरा सिंह का नाम लिख रहे हैं, और मतलब फाइनली काजल राघवानी नहीं है क्योंकि उनकी कास्टिंग जो है वो सब सब मजे हुए कलाकार हैं, यू नो, और सब बट जो कास्टिंग जो स्टोरी जब लिखी जा रही थी ना, तो एक अब जैसे अब मुझ पे क्या शूट करता है, पराग पे क्या शूट करता है, सब पे क्या शूट करता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट विद द स्क्रिप्ट, दैट इज कि हम क्या लिख रहे हैं, लिखने में क्या कास्टिंग होना चाहिए। अब आगे का आगे पराग बताएंगे, ज्यादा हमने ही बोल दिया। पराग सर की तरफ चलते हैं। पराग सर अगर मेरी आवाज आ रही हो, वैसे आप दिख नहीं रहे हैं लेकिन आपकी आवाज हम सुन सकते हैं, आपकी तस्वीर दिख रही है हमें। पराग सर बहुत बड़ा प्रेशर आपके सर पर महीनों से हीरोइन को लेकर, आखिरकार घोषणा की है रत्नाकर कुमार सर ने मेघा श्री को हमने कास्ट किया संघर्ष टू में, तो एक बहुत बड़ा बोझा हल्का हो गया है। और काजल राघवानी आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी है, नाराजगी? देखिए नाराजगी तो किसी को होनी नहीं चाहिए सबसे पहली बात। मेघा श्री का चयन किया गया है ड्यू टू द स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, जो हमें कैरेक्टराइजेशन चाहिए था, जो हमारा कैरेक्टर था, तो मेरे ख्याल से फंस जाते उसके वजह से। दोस्तों मुझे लग रहा है पराग सर मेघा जी श्री को हम लोगों ने कास्ट किया है,
इस फिल्म में, जस्ट बिकॉज ऑफ हर लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग का कैरेक्टराइजेशन उस लेवल पर था। और मेघाश्री के साथ में माही है, माही के साथ में काम कर चुका हूँ हाल ही में एक फिल्म में, पंख में। और उसके बाद सबा है, सबा के साथ में काम कर चुका था पहले, लिट्टी चोखा के गाने में वो आ चुकी है। तो सारे लोग अच्छी तरह से है, एक प्रॉपर हम लोगों ने उनका चुनाव किया है ड्यू टू द स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी हम लोगों ने वैसे ही कैरेक्टर्स को चुना है, क्योंकि कहानी थोड़ी डिफरेंट है, एक बड़े कैनवास पे शूट हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि फिल्म मेकिंग इज ऑलवेज अ टीम वर्क, तो उस टीम वर्क को मद्देनजर रखते हुए सभी लोगों को एक दूसरे के साथ बैठ के कि इसमें कौन अच्छा बैठेगा कौन अच्छा नहीं बैठेगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चयन हुआ है। जैसे विनोद मिश्रा जी है, समर चतुर्वेदी है, विनीत विशाल है, नीलम वशिष्ठ है, तो इन सब लोगों का चयन स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। एक प्रॉपर हम लोगों ने इन लोगों का लुक टेस्ट किया एक फिल्म के मद्देनजर से, कि जो जरूरी था कि क्या इस लुक में ये लोग कैसे दिखेंगे, पहले दिख चुके थे तो कैसे दिखेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने प्रॉपर सभी लोगों का लुक टेस्ट किया फिल्म में, और बखूबी उसके बाद में हम लोगों ने चयन किया गया है इनका। मेघाश्री का चयन बेसिकली फिल्म में इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों की फिल्म में जो किरदार है वो कहीं ना कहीं मेघाश्री उस लैंग्वेज से बिलोंग करती है, तो वो जी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता मेघाश्री जी को चयन करके। तो इसकी जी वजह से मेघाश्री का चयन किया था और वो फिट थी उस संघर्ष के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। रत्नाकर सर जो विंडो से अभी नहीं दिख रहे हैं, फिर एक बार रत्नाकर सर को मैंने इनवाइट भेजा है, और मेरे जी ख्याल से रत्नाकर सर आइए, बहुत अहम सवाल आपसे। अभी मैं देखिए नजर आ रहा पूरे हूं लोग पूछ आपको। रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप दिख रहे हैं, पराग जी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, हाँ क्या बात है, मतलब थोड़ा काफी फिटनेस पे वेट काम लॉस कर कर रहे हैं लिया आप। थोड़ा भी। हाँ हाँ थोड़ा संघर्ष थोड़ा वाला तो है ऐसा कि थोड़ा थोड़ा सा बहुत ज्यादा बटरफ्लाई चल रहा है स्टमक में, कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है संघर्ष से लेके, कि हाँ संघर्ष 2 जैसा टाइटल जब आ रहा है हाँ तो कोई भी चीज हम लोग टू बी इजी या टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। एक अपने हाँ आप में एक संघर्ष बहुत बड़ा ब्रांड रहा है, तो जिम्मेदारियां उतनी ही दुगनी तरीके से बढ़ जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ऑडियंस के प्रति, दर्शकों के प्रति, कि हमको वापस उसी जॉनर का या उससे भी बड़े कैनवास और उससे बड़े जॉनर का संघर्ष दर्शकों के सामने लाना है। बिल्कुल। मैं फिर एक बार रत्नाकर सर को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि नेटवर्क की वजह से शायद वो हमसे नहीं कट गए, जुड़ नहीं पाए। रत्नाकर सर, मैं फिर एक बार आपको इनवाइट भेज चुका हूं, कुछ सवाल हैं, लोग रत्नाकर आपसे जी जानना बहुत हीरोइन का अनाउंसमेंट करके कहाँ चले गए, उनको बुलाइए। रत्नाकर सर, काजल नागवानी जी का फोन तो नहीं आ गया? वैसे वैसे पराग सर, आप थोड़े थोड़े अनिल कपूर लग रहे हैं, हैंडसम एकदम। अच्छा, हाँ तो मस्त है, एकदम सही बात है, लुक अनिल एकदम कपूर अच्छा जी है। अगर सुन लेंगे तो कोई जान दे देंगे अपनी। अच्छा रत्नाकर सर जो हैं वो बहुत बिजी व्यक्तित्व हैं, जुड़ेंगे हमारे साथ, पर हम अपने न्यूज को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने सुना है 9-9 विलन है। जी हाँ बिल्कुल, 9 विलन है इस फिल्म में। बैंकॉक के शेड्यूल में हम लोगों के कम से कम 2 विलन्स हैं, और बाकी 9 विलन्स हम लोग के इंडिया के शेड्यूल में है, कच्छ के शेड्यूल में है। हाँ। जी हाँ, तो ये बताइए कि ये जो पूरा शूटिंग है वो कब से फ्लोर पर चले जाएगा पराग सर? बहुत जल्द, हार्डली मेरे ख्याल से इसी महीने हम लोग जाएंगे संघर्ष 2 हाँ के शूटिंग के लिए, हाँ हार्डली 10 या 11 को। ओके। तो मिला जुला करके कहानी बस ये है कि भाई संघर्ष 2 जो है वो फ्लोर पर आ चुकी है, और बहुत जल्दी इसकी शूटिंग वगैरह एंड ऑल सब कुछ ओके हो जाएगा। कहीं ना कहीं खुशी, एक बहुत बड़ी झलक पराग सर आपके चेहरे पर देखने को मिल रही है। और अब क्या लग रहा है अंदर अंदर, मतलब कैसन फीलिंग चल रहा है जी, कि प्रेशर तो होगा, संघर्ष 2 को भी संघर्ष 1 की तरह ही आपको देखिए बहुत सफल बनाना होगा। फीलिंग फीलिंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और साथ ही साथ में नर्वस हूँ, क्योंकि एक बैरोमीटर्स सेट कर चुकी थी संघर्ष 1, तो उन बैरोमीटर्स को तोड़कर एक नए बैरोमीटर सेट करने के लिए बहुत जिम्मेदारी वाला काम है।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रत्नाकर सर आई थिंक बिजी हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, और वाकई में कार्यालय में बहुत ज्यादा भीड़ होती है हमेशा ही उनके। पराग सर बहुत शुक्रिया फिर एक बार, और इस वादे के साथ इस इंस्टा को मैं लाइव का हथ भरूंगा कि आप जब बैंकॉक में जाकर शूटिंग कर रहे होंगे तो आप हम लोगों को दिखाएंगे वहां का दृश्य क्या है, वहां का माहौल बिल्कुल कैसा बिल्कुल, है। जैसा 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 रत्नाकर जी ने कहा है वैसा बिल्कुल होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों देखा आपने, एक बहुत बड़ी खबर के साथ रत्नाकर कुमार सर और पराग पाटिल साहब ने हम लोगों को बताया है कि भाई संघर्ष 2 में मेघाश्री को कास्ट किया गया है। संघर्ष 2 की हीरोइन मेघाश्री हैं। इसके अलावा बिहार का जो चेहरा लाया गया है, बिहार का जो चेहरा लाया गया है वो है माही श्रीवास्तव। इसके अलावा मुंबई से संघर्ष 2 में जिस एक्ट्रेस को लाया गया है वो चेहरा है सबा खान। और ढेरों एक्टर हैं जिसमें समद चतुर्वेदी हैं, विनीत विशाल हैं। खबर तो ये भी भाई साल तो हिंदू से भी लोगों को लाया जाएगा, लेकिन अभी उनके नाम की घोषणा नहीं की जा रही है। आपको बताएं कि सिर्फ बैंकॉक ही नहीं बल्कि सूरत, गुजरात, इंडिया के कई राज्यों में इन संघर्ष 2 फिल्म की शूटिंग होनी है। जैसा कि आपने सभी ने जाना और देखा कि 9 विलन संघर्ष 2 फिल्म में होने वाले हैं, यानी हर एक जगह जाकर खेसारी लाल यादव जी अपने उन 9 विलन को खत्म करेंगे। और अंदर वाली जो खबर है वो भी मैं जाते जाते आपको बता ही दूं कि भाई मुझे लगता है बैंकॉक में सबसे बड़ा विलन होगा, आखिरी वाला जो 9वां विलन होगा वो बैंकॉक में होगा, और वहां एक बहुत बड़ा संग्राम, महासंग्राम होगा। जी हाँ, बहुत खर्च करके संघर्ष 2 का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, बहुत ज्यादा खर्च करके संघर्ष 2 का निर्माण किया जा रहा है। और आखिरकार आपके सवालों का जवाब आपको मिल ही गया होगा, तो भैया खेसारी लाल यादव जी के अपोजिट संघर्ष 2 में कौन सी हीरोइन होगी? जी हाँ, वो है मेघाश्री। मेघाश्री वही है जिन्हें कई बार खेसारी जी के साथ बकायदा वीडियो करते हुए देखा गया है। तो इस इंस्टाग्राम लाइव का समापन कर रहे हैं दोस्तों, और कुछ सवाल होगा तो प्लीज बताइएगा। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, कल देसी भारत पर आपको संघर्ष 2 से जुड़े कई अहम अहम शख्सियतियों के शख्सियत के माफ करिएगा शख्सियत के इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। जी हाँ, कल देसी भारत पर आप जरूर बने रहे हैं, और इस इंटरव्यू का समापन कर रहे हैं यहां पर। थैंक यू वेरी मच।